हेलो फ्रेंड्स, दिव्या सेल्दी किचन में आज बनाएंगे आलू के क्रिस्पी करारे पकोड़े। आइए देखते हैं इसके झटपट से बनने वाली रेसिपी। आलू के क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए हमें आलू लेना है। ये मैंने 3 आलू लिए हैं छिलकर। अब दूसरा एक बाउल में हमें वाटर लेना है। अब ये मैंने बड़ी छीनी ली है, आप छोटी छीनी से भी इसे छील सकते हो। अब एक आलू लेना है और वाटर के अंदर हमें इस तरह से इसे छीलना है। अब हमारे आलू भी छील कर रेडी है, आप देख सकते हो। हमें इसी तरह से छीन लेना है और इसे वाटर के अंदर 5 मिनट्स तक हमें इसी तरह से रखना है। बाद में हम दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब 5 मिनट हो गई है। आलू को छीलकर पानी में रखने से इसका जो स्टार्च होता है वो पूरी तरह से निकल जाता है। अब हमें इसे दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है। इसे पानी में अच्छे से वॉश कर लेना है और इस तरह से हाथों में लेकर हमें इसे प्रेस करते करते इसका पूरा जो स्टार्च और पानी है वो निकाल लेना है। आलू का छिला हमें ड्राई चाहिए। इस तरह से दूसरे बाउल में हमें ट्रांसफ़र कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमें इस तरह से पूरा ड्राई कर लेना है। जितना ये ड्राई होगा उतना ही हमारे पकोड़े अच्छे बनेंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्या। चलिए अब हम पकोड़ा का मिश्रण रेडी करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हमें एक बड़ा ऑनियन है, इसे इस तरह से स्लाइस में कट कर लेना है। अब इसे ऐड कर देना है। इसके बाद ग्रीन मसाला है, इसमें हरी मिर्च, अदरक, लहसुन की पेस्ट है। इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, इसे भी आप देख सकते हो फ्रेंड्स। तीखा आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हो। अब ये चॉप किया हुआ कोरिएंडर है, धनिया, इसे ऐड कर देते हैं। आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर का ऐड करना है। आधा छोटी चम्मच सब्जी का गरम मसाला है, इसे ऐड करना है। अब इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक को ऐड कर देते हैं। अब सबसे पहले हमें इस मिश्रण को मिक्स कर लेना है। अब इस मिश्रण को मिक्स करने के बाद आप देख सकते हो ये मिश्रण गीला गीला हुआ है। अब इसके अंदर हमें 2 बड़ी चम्मच जैसा बेसन को ऐड करना है। एक बड़ा चम्मच चावल का आटा है, राइस फ्लोर, इसे भी ऐड कर देना है। अब इसे हमें मिक्स कर लेना है। इस मिश्रण में हमें पानी का यूज़ नहीं करना है। अब हमारा पकोड़ा का मिश्रण अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके हम पकोड़ा बनाने के लिए लेते हैं। अब हमें एक कढ़ाई में तेल को गरम कर लेना है। ये मैंने ऑलरेडी गरम कर लिया है और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम से थोड़ा हाई रखना है। अब चलिए इसमें एक एक करके हम आलू का पकोड़ा तेल में छोड़ देते हैं। गैस की फ्लेम थोड़ी हाई होगी तो ये क्रिस्पी और करारे बनेंगे। बारिश का मौसम है तो इस तरह से पकौड़ा बनाकर ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिए और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। अब इसे उलट पुलट कर हमें फ्राई कर लेना है।
देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे पकौड़े अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इसका मतलब ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसे हमें निकाल लेना है। रेडी है हमारे गर्मा गर्म आलू के क्रिस्पी पकौड़े। आप भी इसी तरह से घर पर ट्राई कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली नई नई रेसिपीज़ आपको मिलती रहे।